वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विधानसभा में महागठबंधन के सदस्यों के वॉकआउट के बीच विश्वास मत हासिल किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया और इस दौरान विपक्ष के हस्तक्षेप पर सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमकर घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आश्चर्य होता है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है, अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। मुझको आश्चर्य होता है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। ओह, अगर आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति 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 बोल रहे हैं। अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए, उनका कितना देर सुने हैं। शांति शांति, ये 40 40 मिनट इनकी बात सुने हैं। बट जब शांति शांति, तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है? 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए। और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था? और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए। और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है।